भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। भारत के लिए शुभमन गिल और शिखर धवन क्रीज पर उतरे और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। मैदान के हर कोने में शिखर धवन और शुभमन गिल ने चौके और छक्कों की बारिश कर दी। आलम यह रहा कि शुभमन गिल ने मात्र 36 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और उसके बाद शिखर धवन भी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी 52 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। इसमें उन्होंने 9 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। शुभमन गिल ने भी 6 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। हर गेंदबाज को जमकर पीटा, कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं बचा जिसे शिखर धवन और शुभमन गिल ने ना पीटा। लेकिन उसके बाद 119 रन के स्कोर पर भारत का एक विकेट गिर गया। शुभमन गिल 53 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब देखना होगा आने वाले बल्लेबाज कैसा कमाल करते हैं। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।